हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए बहुत ही इजी डिजाइन का थालपोस। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। और आप इस डिजाइन में जितना बड़ा और जितना छोटा बनाना चाहते हैं थालपोस, उतना बड़ा छोटा बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का और मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आप इसे कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और ये डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस थालपोस को बनाने के लिए हम सबसे पहले रेड कलर का ऊन लेंगे और रेड कलर के ऊन में इस तरीके से एक नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद इसमें हम 6 का चैन करेंगे, यानी कि 6 चैन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे। 6 चैन बनाने के बाद इसका हम एक रिंग तैयार करेंगे। तो ये जो पहला वाला चैन हमने बनाया है, इसी में क्रोशिया पास करेंगे और इस तरीके से एक इसकी रिंग तैयार कर लेंगे। तो ये हमने रिंग तैयार कर लिया और रिंग तैयार करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें 3 का चैन करना है। 1 2 3 चैन किया हमने। 3 चैन करने के बाद ये हमारा जो हमने 3 चैन किया है, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा और इस रिंग के अंदर हमें टोटल 19 डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि 19 डबल क्रोशिया। तो इस रिंग के अंदर हमें टोटल 20 डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमने 3 का चैन किया, ये पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा, और इसी तरीके से डबल क्रोशिया हम इस रिंग के अंदर 20 बना के कम्प्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस रिंग के अंदर टोटल 20 डबल क्रोशिया बना के कम्प्लीट कर ली। अब यहाँ पे जो हमने 3 का चैन किया था, तो तीसरे चैन के ऊपर, ये थर्ड वाले चैन के ऊपर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। और स्लिप स्टिच लगाने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फिर से 3 का चैन करेंगे। 1 2 3 3 का चैन किया। 3 का चैन करने के बाद इसी फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया हमने, फिर यहाँ पे हम 3 का चैन करेंगे। 1 2 3 3 चैन किया। 3 चैन करने के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरीके से फिर से यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे हमें 3 का चैन करने के बाद यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पे 3 का चैन करेंगे। 1 2 3 3 का चैन किया, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और उसके आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 हमें 3 का चैन करना है, एक डबल क्रोशिया स्किप करना है और उसके आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरीके से 2 का, इस तरीके से हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरीके से ये हम 2-2 डबल क्रोशिया जो बना रहे हैं, ये हम 10 टाइम्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए इसे बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने राउंड बना के कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे ये जो हम 2-2 डबल क्रोशिया 3-3 चैन करके बना रहे थे, तो ये हमारा टोटल ये 10 बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो हमने यहाँ पर 3 का चैन किया था, तो तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे और धागे को हम अच्छी तरीके से गांठ लगा के यहीं पे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बीच का भाग तैयार हो गया। अब यहाँ से हम वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमने चैन बनाया हुआ है ये वाला, इसी चैन के ऊपर हमें धागे को जोड़ लेना है। ये हमने जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद यहाँ पर 3 का चैन करेंगे। 1 2 3 3 चैन किया। 3 चैन करने के बाद इसी में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। जो हमने चैन किया वो पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये चौथा। तो यहाँ पे टोटल हमने 4 डबल क्रोशिया चैन के ऊपर बनाना है। तो यहाँ पे हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिया। तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया करने के बाद क्या करना है, हमें 2 का चैन करना है। 1 2 2 चैन करेंगे। 2 चैन करने के बाद ये जो नेक्स्ट वाला चैन है, इसके ऊपर भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाया।
फिर टू का चैन करेंगे, वन टू, टू चैन किया। टू चैन करने के बाद फिर से नेक्स्ट वाले फंदे में हमें फोर डबल क्रोसिया बनानी है। और ये जो हम थर्ड राउंड बना रहे हैं वाइट कलर से, ये हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमें टू का चैन करना है और सारे चैन के ऊपर, ये जितने बाकी बचे चैन हैं सारे चैन के ऊपर हमें फोर फोर डबल क्रोसिया बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने राउंड बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। स्लिप स्टिच लगाने के बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे थ्री का चैन करना है, वन टू थ्री। तो हमें थ्री चैन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हम फ्लावर का डिज़ाइन बना रहे हैं। फ्लावर शेप में ये हमारा बहुत ही प्यारा सा पैटर्न थालपोस का बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमने फोर डबल क्रोसिया बनाया है तो दोनों साइड, ये जो पहला वाला डबल क्रोसिया है इधर का और ये दूसरा वाला इधर का, तो दोनों साइड हमें एक एक डबल क्रोसिया बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने थ्री का चैन किया और इसी फंदे में फिर से हम एक डबल क्रोसिया बना लेंगे। ये हमने डबल क्रोसिया बनाया। अब क्या करेंगे, बीच में जो दो डबल क्रोसिया बच रहा है इसको छोड़ के, तो इसके ऊपर हम एक एक डबल क्रोसिया बनाएंगे। तो इस राउंड में हमारा छः डबल क्रोसिया एक पैटर्न के ऊपर बन के तैयार होगा। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला जो डबल क्रोसिया है इसके ऊपर हम दो डबल क्रोसिया बनाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारा छः डबल क्रोसिया बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर से टू का चैन करेंगे। चैन हमें बढ़ाना नहीं है, जितना हमारा नीचे चैन रहेगा उतना ही ऊपर भी चैन रहेगा। अगर आपका डिज़ाइन टाइट लगे तो आप चैन बढ़ा सकते हैं, उससे आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा और सिकुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दो डबल क्रोसिया करनी है, वन टू। फिर यहाँ पे अगले वाले डबल क्रोसिया के ऊपर एक डबल क्रोसिया बनाएंगे, फिर उसके आगे वाले डबल क्रोसिया के ऊपर एक डबल क्रोसिया बनाएंगे और लास्ट वाले डबल क्रोसिया के ऊपर भी सेम तरीके से हमें एक डबल क्रोसिया, फिर एक और डबल क्रोसिया यहाँ पे बना लेंगे इस तरीके से। फिर टू का चैन करेंगे, वन टू। फिर आगे वाले पैटर्न पे भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें बनाना है ये डिज़ाइन हमारा, ये दोनों साइड से एक एक डबल क्रोसिया ये बढ़ता जाएगा। फ्रेंड्स हमें इसी तरीके से दोनों साइड से एक एक डबल क्रोसिया बढ़ाते हुए हमें फोर लाइन बनाना है। हमने ये वन और टू, टू लाइन हमने बना के कंप्लीट कर लिया और हमें दो राउंड आगे का बनाना है। तो हमारा फोर्थ वाले राउंड में ये दस डबल क्रोसिया बन के तैयार होगा। यहाँ पे फोर है, फिर सिक्स, फिर एट, फिर टेन, इस तरीके से हमारा ये बढ़ता जाएगा। तो हमें फोर्थ राउंड इसे कंप्लीट करना है। और यहाँ का चैन जो हम ये ले रहे हैं, ये वाला, ये चैन हमारा सेम रहेगा। टू टू चैन करते हुए हम ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बना के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे के डिज़ाइन बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बना के कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे हमने टोटल ये फोर लाइन बनाया है। ये देखिए वन टू थ्री फोर, फोर लाइन बनाया है। और यहाँ पे ये दो दो चैन है हमारा यहाँ से ये बीच में, और दोनों साइड ये जो पैटर्न है हमारा, तो इसमें हमारा यहाँ से चार से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हमारा फोर से स्टार्ट हुआ है और फिर दोनों साइड एक एक डबल क्रोसिया हर राउंड में इंक्रीज होते गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे के डिज़ाइन बनाते हैं। तो आगे के डिज़ाइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम टू का चैन करेंगे, वन टू, और यहाँ पे तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। अब स्लिप स्टिच लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ से हमें ये दोनों साइड से घटाना शुरू करना है। तो यहाँ पे टोटल हमारा ये दस डबल क्रोसिया है, तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे आठ डबल क्रोसिया आएगा। चलिए बताते हैं कैसे घटाना है। तो अभी क्या करेंगे, हम एक डबल क्रोसिया स्किप करेंगे, ये जो हमने चैन बनाया है इसे स्किप करते हैं और आगे वाले चैन के ऊपर आ जाते हैं, आगे वाले डबल क्रोसिया के ऊपर इस तरीके से। अब यहाँ पे हम थ्री का चैन करेंगे, वन टू थ्री, थ्री का चैन किया, फिर यहाँ पे हम एट डबल क्रोसिया के ऊपर एट डबल क्रोसिया बना लेंगे। हम इस साइड से भी एक डबल क्रोसिया ये वाला छोड़ेंगे, यहाँ तक हम बनाएंगे, यहाँ तक। तो
तो देखिए यहाँ पे ये टू डबल क्रोसिया हो गया, ये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट। तो हमने यहाँ पे एट डबल क्रोसिया के ऊपर एट डबल क्रोसिया बना लिया और दोनों साइड से हमने एक एक डबल क्रोसिया स्किप किया है। देखिए इस साइड से भी एक ये वाला और इस साइड से भी एक। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें थ्री का चयन करना है, वन टू थ्री, थ्री चयन करेंगे। थ्री चयन करने के बाद यहाँ पे जो हम सेंटर में ये जो हम बीच में एक चैन ले रहे थे, इस चैन के ऊपर हम इस तरीके से एक डबल क्रोसिया बनाएंगे। फिर थ्री का चैन करेंगे, वन टू थ्री, और फिर इस वाले पैटर्न को घटाना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला डबल क्रोसिया स्किप करेंगे, उसके आगे वाले डबल क्रोसिया के ऊपर से बनाएंगे। तो यहाँ भी हम घटाएंगे, तो यहाँ भी हमारा टेन डबल क्रोसिया है। तो टेन डबल क्रोसिया को दोनों साइड से एक एक स्किप करेंगे तो एट डबल क्रोसिया हमारा बन के तैयार होगा। वन इस तरीके से, घटाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और ये थालपोच बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए इधर भी हमने ये घटा लिया, इस साइड से एक, इस साइड से एक। अब यहाँ क्या करना है, थ्री का चयन करेंगे, वन टू थ्री, थ्री चयन करेंगे, और फिर यहाँ पर हमें ये जो हमने बीच में चयन लिया है टू, इसके ऊपर एक डबल क्रोसिया बनानी है। फिर थ्री का चयन करना है, वन टू थ्री, और फिर सेम तरीके से जैसे हम ये घटा रहे थे इसी तरीके से हमें इसे भी घटा लेना है, और इस राउंड को हमें इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने बना के कंप्लीट कर लिया और हर पैटर्न को हमने घटा लिया है। ये देखिए दोनों साइड से हमने एक एक घटाया हुआ है, सारे पैटर्न के ऊपर हमने चैन बनाया हुआ है यहाँ पर थ्री चैन। तो तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच यहाँ पे लगा लिया। स्लिप स्टिच लगाने के बाद क्या करना है, हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाते हुए इस डबल क्रोसिया के ऊपर आ जाएंगे। ये वाला जो डबल क्रोसिया है, अगला डबल क्रोसिया, तो हम यहाँ पे आ गए क्योंकि हमें इधर से एक डबल क्रोसिया घटानी है, तो हम इस तरीके से घटाएँगे। तो यहाँ पर थ्री का चैन करेंगे। फिर अब इस राउंड में हमारा यहाँ पे छः डबल क्रोसिया बनेगा। यहाँ देखिए टोटल आठ डबल क्रोसिया है यहाँ पे, तो हम एक इधर से छोड़ेंगे और एक इधर से। तो ये फर्स्ट, ये पहला डबल क्रोसिया बनाया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो हमने छः डबल क्रोसिया बना लिया और दोनों साइड से हमने एक एक डबल क्रोसिया स्किप किया है ऐसे। तो यहाँ पे छः डबल क्रोसिया आएगा। फिर यहाँ पे हम थ्री का चयन करेंगे, वन टू थ्री, थ्री चयन किया। थ्री चयन करने के बाद यहाँ पे हमारा बीच में, हर पैटर्न के बीच में यहाँ पे जाली बनेगा, हर पैटर्न के बीच में। तो यहाँ पर हम जाली तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम डबल क्रोसिया बनाएंगे, ये जो हमने थ्री चैन किया था उसके ऊपर। फिर थ्री का चैन करेंगे, वन टू थ्री, और फिर इस वाले चैन के ऊपर हम एक डबल क्रोसिया बनाएंगे। और हर राउंड में हमारा जाली ये बढ़ता जाएगा और डबल क्रोसिया भी बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट राउंड में एक डबल क्रोसिया बनाया था, सेकेंड राउंड में हमारा ये दो, यहाँ पर दो डबल क्रोसिया बनेगा। फिर यहाँ पर हम थ्री का चैन करेंगे, यहाँ पर हमारा चैन बढ़ेगा नहीं, हमारा थ्री चैन ही रहेगा। अब यहाँ से फिर हमें घटाना है, तो एक डबल क्रोसिया स्किप करेंगे, दूसरे वाले डबल क्रोसिया के ऊपर हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें घटाते हुए इसे बनाना है, तो हम दोनों साइड से इसी तरीके से बनाएंगे। और ये हमारा जाली ये देखिए इस तरीके से बन के आएगा,
तो ये जितना हमारा यहाँ पे ये जाली बनेगा सेम तरीके से हमें बनाना है, इस तरीके से थ्री थ्री चैन लेकर और हर चैन के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। और सेम पैटर्न अप्लाई करते हुए फ्रेंड्स हमें एक राउंड और भी बनाना है। तो इस राउंड में हमारा ये छः डबल क्रोशिया आ रहा, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 डबल क्रोशिया। अगले राउंड में हम इसे घटाएंगे दोनों साइड से एक एक, तो हमारा 4 डबल क्रोशिया बचेगा। देखिए यहाँ पे हमने ये 4 से शुरू किया था, तो 4 डबल क्रोशिया बनाया था, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया। ये हमारा सेंटर का भाग है और फिर यहाँ से हमने घटाना शुरू किया था, तो फिर यहाँ पे हमारा अगला राउंड 4 डबल क्रोशिया पे ये ख़त्म होगा। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये पैटर्न हमने बना के कंप्लीट कर लिया और ये कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन आया है। ये हमारा यहाँ से इस तरीके से घटते हुए यहाँ तक हमने घटाया है। ये हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। आप इस डिज़ाइन में छोटे बड़े किसी भी साइज का थालपोश तैयार कर सकते हैं। इसी पैटर्न को हमें बढ़ाते जाना है, जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा हमें बढ़ा लेना है, फिर उसके बाद सेम पैटर्न अप्लाई करते हुए हमें घटा लेना है। और ये जाली भी हमें सेम तरीके से बनानी है, तीन तीन चैन लेना है, थ्री थ्री चैन लेना है और एक एक डबल क्रोशिया हर चैन के ऊपर बनाते जाना है। बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर दिखने वाला है ये। तो चलिए अब आगे के डिज़ाइन बनाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्लिप स्टिच लगा के धागे को यहीं पे कट कर लेंगे और यहाँ से हम रेड कलर वाला ऊन लगाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमने जाली बनाया है इसी के ऊपर हमें इसे जोड़ना है, तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो इसे हमने यहाँ पे जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद 3 का चैन करेंगे, 1 2 और ये 3 चैन करेंगे और 3 चैन करने के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2, तो टोटल हमारा यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। जो हमने चैन लिया वो पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे हमें एक चैन लेना है और फिर आगे वाले जाली के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन लेंगे, फिर ये जो जाली अगली वाली आगे वाली जाली है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक चैन लेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे, तो हमारे पास ये जितनी जाली बची है, तो हमारे पास ये जितनी जाली है सारे जाली में हम इस चैन के ऊपर 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये बनाया हमने, फिर यहाँ पे एक चैन लेंगे। अब देखिए एक जाली पे हमने ये बना लिया, ये हमारा 4 टाइम्स आएगा 3-3 डबल क्रोशिया एक एक चैन लेते हुए। अब ये जो हमारा बीच का पैटर्न है इसे हम स्किप करेंगे और अगले वाले जाली में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक चैन लिया है हमने, फिर एक चैन लेंगे और फिर यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमें इस तरीके से बनाना है, 3-3 डबल क्रोशिया हर जाली के ऊपर बना लेना है एक एक चैन लेते हुए। और ये जो बीच का पैटर्न है हमारा इसे हमें स्किप करना है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं बुनना है। और इसी तरीके से बनाते हुए फ्रेंड्स ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये राउंड हमने बना के कंप्लीट कर लिया। ये हमने जितना जाली बनाया था सारे जाली में हमने ये 3-3 डबल क्रोशिया बना लिया है एक एक चैन लेते हुए। और कुछ इस तरीके से ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे और धागे को अच्छी तरीके से गांठ लगा के यहीं पे कट कर लेंगे। यहाँ से हम फिर व्हाइट कलर का ऊन लगाएंगे। अब हम व्हाइट कलर वाले ऊन से आगे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, ये जो जाली हमने बनाया है जाली के ऊपर ये 4 टाइम्स 3-3 डबल क्रोशिया इसी के ऊपर हमें जोड़ना है, इस वाले पैटर्न के ऊपर नहीं जोड़ना है। जहाँ पे ये हमारा फूल ख़त्म हो रहा है यहाँ पे नहीं जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद यहाँ पे हम 3 का चैन करेंगे, 1 2 3 चैन किया,
थ्री चैन करने के बाद इसी में हमें थ्री डबल क्रोसिया बना लेना है। तो जो थ्री चैन किया वो पहला डबल क्रोसिया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पे थ्री डबल क्रोसिया हो गया। थ्री डबल क्रोसिया करने के बाद एक चैन लेंगे और चैन लेने के बाद ये बाकी दो फंदे जो बच रहे हैं इसके ऊपर भी हमें थ्री थ्री डबल क्रोसिया बना लेना है इस तरीके से। ये हो गया। फिर यहाँ पे एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद फिर इस वाले फंदे में जहाँ पे हमने चैन लिया है वहीं पे हमें बनाना है, जो हमने एक एक चैन लिया है उसी के ऊपर। तो ये हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमने फोर टाइम्स बनाया था जाली के ऊपर, अब यहाँ थ्री टाइम्स बनाएंगे। अब इसे हम घटाएंगे तो अब क्या करेंगे, इसे हम उल्टे के साइड ले आएंगे। एक पर एक जाली के ऊपर हमारा ये थ्री डबल क्रोसिया थ्री टाइम्स बनाएंगे हम। अब क्या करेंगे, हम स्लिप स्टिच लगाते हुए हम धागे को ये चैन के बीच में ले आएंगे। तो हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए ये थ्री डबल क्रोसिया बनाए हैं तो थ्री डबल क्रोसिया में हम स्लिप स्टिच लगाते हुए चैन के अंदर आ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हम चैन के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हमें फिर से थ्री का चैन करना है, वन टू थ्री, थ्री चैन किया। थ्री चैन करने के बाद यहाँ पे हम थ्री डबल क्रोसिया बनाएंगे। जो चैन किया वो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो थ्री डबल क्रोसिया हो गया। थ्री डबल क्रोसिया करने के बाद एक चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे फिर से थ्री डबल क्रोसिया बना लेंगे, वन टू और ये थ्री। थ्री डबल क्रोसिया बना लिया हमने। थ्री डबल क्रोसिया बनाने के बाद फिर से हम इसे पलट लेंगे। यहाँ पे हम घटा रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा फोर डबल क्रोसिया था। ये देखिए वन टू थ्री फोर, एक जाली के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये फोर टाइम्स डबल क्रोसिया था जाली के ऊपर। तो अब सेकेंड टाइम में थ्री टाइम्स बनाए हैं हम, और उसके आगे हम टू टाइम्स बनाएंगे और उसके आगे वन टाइम्स। तो इसे हम फिर से पलट लेंगे सीधे के साइड, और सीधे के साइड पलट के फिर हम स्लिप स्टिच लगाते हुए चैन के अंदर आ जाएंगे। तो हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे थ्री चैन करेंगे, वन टू थ्री, और यहाँ पे हम फिर थ्री डबल क्रोसिया कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये थ्री डबल क्रोसिया कंप्लीट कर लिया, और ये देखिए ये हमारा एक पैटर्न तैयार हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से गांठ लगा के धागे को हम यहीं पे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक पैटर्न के ऊपर ये हमारा कुछ इस तरीके से ये डिजाइन बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स जैसे हमने ये यहाँ बनाया है सेम पैटर्न हमें अब नेक्स्ट वाले जाली के ऊपर बनाना है। ये देखिए जो हमने फोर टाइम्स डबल क्रोसिया थ्री थ्री किया है इसके ऊपर सेम पैटर्न बनाना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो फ्लावर कंप्लीट हो रहा है इसके ऊपर हमें नहीं बनाना है, ये जो इसके बीच में ये जो तीन फंदे दिख रहे हैं इसी में बनाना है, इसमें भी नहीं बनाना है, और सेम तरीके से हमें ये बना के कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये डिजाइन हमने बना के कंप्लीट कर ली, ये वाली, ये देखिए इस तरीके से। और धागे को कट करके हमने अच्छी तरीके से अंदर स्टिच कर लिया है ताकि ये दिखे नहीं और फिनिशिंग अच्छी आए। और ये वाला जो पैटर्न है हमारा ये टोटल 10 टाइम्स बनाया है हमने, और ये बीच का फ्लावर भी हमारा 10 टाइम्स बना हुआ है ये वाला। अब चलिए लास्ट की किनारी बना लेते हैं। लास्ट की किनारी हम रेड कलर के ऊन से बनाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने रेड कलर का ऊन लिया है। अब रेड कलर के ऊन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे ये हमारा फुल कंप्लीट हुआ है वहीं पे ऊपर पे जोड़ लेंगे। आप अपनी पसंद का कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसे जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद यहाँ पे हम थ्री चैन करेंगे, वन टू थ्री, थ्री चैन किया। थ्री चैन करने के बाद यहाँ पे हम टू डबल क्रोसिया करेंगे, वन टू, टू डबल क्रोसिया किया तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल थ्री डबल क्रोसिया। तीन डबल क्रोसिया बनाने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमने व्हाइट वाला डिजाइन बनाया है तो फर्स्ट वाले डबल क्रोसिया के ऊपर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे थ्री का चैन करेंगे, वन टू थ्री, थ्री चैन किया। थ्री चैन करने के बाद यहीं पे हम
टू डबल क्रोसिया करेंगे इसी फंदे में, वन टू। तो यहाँ पे हमारा ये टोटल थ्री डबल क्रोसिया हो जाएगा। थ्री डबल क्रोसिया करने के बाद फिर इसके आगे वाले, ये वाला जो सेकेंड डाइन है, इसके फर्स्ट वाले डबल क्रोसिया के ऊपर यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगाना है, एकदम कोने पे लगाना है हमें। और फिर यहाँ भी हमें थ्री चैन करना है, वन टू थ्री, थ्री चैन किया। थ्री चैन करने के बाद इसी फंदे में टू डबल क्रोसिया कर लेंगे इस तरीके से, वन और ये टू। तो यहाँ पे हमने ये टू डबल क्रोसिया कर लिया। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला ये जो बचा है इसमें क्या करेंगे, जो तीन डबल क्रोसिया बनाया है हमने, तो सेंटर वाले डबल क्रोसिया के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे थ्री का चैन करेंगे, वन टू थ्री, थ्री चैन किया। फिर यहाँ पे हम थ्री डबल क्रोसिया बना लेंगे, वन टू, और जो हमने चैन लिया था वो हमारा पहला डबल क्रोसिया हो जाएगा। पहला जो लास्ट वाला डबल क्रोसिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे हम थ्री का चैन करेंगे, वन टू थ्री, थ्री चैन किया। और फिर यहीं पे हम टू डबल क्रोसिया करेंगे, वन और ये टू। तो यहाँ टोटल थ्री डबल क्रोसिया हो जाएगा। थ्री डबल क्रोसिया होने के बाद क्या करेंगे, थ्री डबल क्रोसिया होने के बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इस साइड से यहाँ पे लास्ट वाले डबल क्रोसिया के ऊपर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। लगा लिया, फिर यहाँ पे थ्री डबल क्रोसिया करेंगे और फिर यहीं पे दो डबल क्रोसिया और बना लेंगे। और फिर इधर से फिर यहाँ वाले डबल क्रोसिया के ऊपर स्लिप स्टिच लगाना है हमें, स्लिप स्टिच लगा लिया। फिर थ्री डबल क्रोसिया करेंगे, फिर थ्री चैन लेंगे, और थ्री चैन लेने के बाद यहीं पे हम दो डबल क्रोसिया और बुन लेंगे। देखिए टू डबल क्रोसिया करेंगे यहाँ पे। बहुत ही आसान किनारी है फ्रेंड्स, और दिखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है। अब देखिए यहाँ पे हम लास्ट में आ गए, ये हमारा इस तरीके से ये बन रहा है। ये देखिए ऐसे, ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जहाँ पे हमने फूल स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो फंदा दिख रहा है इसी फंदे में हमें स्लिप स्टिच लगा लेनी है। ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से हमें थ्री चैन करना है, और थ्री चैन करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरीके से दो डबल क्रोसिया बना लेनी है, वन टू। हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर सेम तरीके से हम यहाँ पे फर्स्ट वाले डबल क्रोसिया के ऊपर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया, फिर थ्री का चैन करेंगे, वन टू थ्री, थ्री चैन किया। और थ्री चैन करने के बाद फिर इसी में हमें टू डबल क्रोसिया करना है, वन और ये टू। तो ये टू डबल क्रोसिया हो गया। और फिर यहाँ पे हम सेम तरीके से सबसे फर्स्ट वाले डबल क्रोसिया के ऊपर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे, फिर सेम तरीके से हम बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ये जब आप बड़े साइज का थालपोस बनाएंगे तो ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो हमारा ये तीन लाइन में ख़त्म हो गया है, ये और बड़ा बन के तैयार होगा, और ये भी पार्ट हमारा बहुत बड़ा बनेगा। सेम पैटर्न रिपीट करते हुए फ्रेंड्स इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है, और ये थालपोस हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे कम्प्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थालपोस हमने बना के रेडी कर लिया, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आया है फ्रेंड्स इसका। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।